हाय एवरीवन, मेरा नाम अंशुल है और हम लोग अभी इस सेशन में तो 2023 जनवरी में किस टाइप से हम लोगों को फॉर्म्स भरने हैं जेई मेंस के, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. बेसिकली शायद आप सभी को, अब तो ये सभी को पता है कि एनटीए ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ा है और एग्जाम के लगभग सिर्फ एक महीने पहले हम लोगों को ये बताया गया है कि जनवरी में ही मेंस है. तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज ही है. मतलब मैंने अभी बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बोल रहे थे कि सर वो डरे हुए हैं या उनको ऐसा लग रहा है कि सर हम मतलब इस चीज के लिए तो हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे. ऐसा नहीं है दोस्तों, बात यह है कि सिर्फ आप ही लोग नहीं, दुनिया में जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उन सभी के साथ में ये चीज है. तो सभी एक जैसे हैं, राइट? तो हमें अपना कॉन्फिडेंस हाई रखें और अगर ये जो भी चीज आई हमारे सामने उसको हम कॉन्फिडेंस से और प्रॉपर प्लानिंग के साथ फेस करेंगे तो इसी मेंस में हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे. चलिए इस बारे में अभी और बात करेंगे हम लोग, पर उससे पहले अब अपन आज जो जिस चीज के लिए सेशन है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर ले. तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट से. देखिए 15 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक के हमारे पास टाइम है जब तक के हम हमारे पूरे फॉर्म्स को भर सकते हैं. देखिए इस बार के फॉर्म्स में, इस बार के एनटीए के जो जो जेई मेन से फॉर्म्स निकाले हैं उसके अंदर कुछ कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आज शायद पूरे इंडिया में कोई भी नहीं जानता. बहुत सारी चीजें उसके अंदर अनआंसर्ड है. तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एनटीए कुछ टाइम में वो जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर वो आंसर करेगा. तो मैं आपसे ये चीज कहूंगा कि आप शांति से, इत्मीनान से अपना 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 फॉर्म भरे. ऐसा नहीं है कि अगर आप जल्दी फॉर्म भर देंगे तो आपको सीट अलॉटमेंट उसके अकॉर्डिंग होगा, ऐसा नहीं होता. जो सीट अलॉटमेंट होता है वो ऐसा होता है कि जो लास्ट डेट तक के जितनी भी फॉर्म्स आ जाते हैं और उन फॉर्म्स को लेने के बाद में फिर रैंडम बेसिस पे सीट अलॉटमेंट होता है. आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप मोस्ट ऑफ टाइम्स जो भी आप सिटी भरेंगे जिसमें आप एग्जाम देना चाहते हैं आपको वही सिटी मिलेगी. इसके अलावा यहाँ पे सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन्ड है. आपको कब एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशंस क्या है. 24 से लेकर 31 जनवरी तक के हम इसके बीच में हम लोगों को स्लॉट्स मिलेंगे जिसमें आप लोगों को एग्जाम देनी हो, राइट? चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करके मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोगों को कैसे फॉर्म्स को फिलअप करना है. देखिए सबसे पहले आप जाएंगे एनटीए की वेबसाइट. सो ये है हमारी एनटीए की वेबसाइट jeemain.nta.nic.in. यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप लोगों को ये कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस मिलेगा. इस इंटरफेस पे जाके आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज दी पॉइंट जहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? आप यहाँ पे क्लिक करेंगे. जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे जेई मेन 23 सेशन 1 एप्लीकेशन पे, तो आप एक नए विंडो की तरफ चले जाएंगे. ये जो चीज है या अगला जो विंडो आपको ओपन होगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा. अब इसमें आपको क्या करना है, आपको बेसिकली यहाँ पे क्लिक करना है जेई मेन 2023 सेशन 1 एप्लीकेशन. ये लिंक है, इसके ऊपर आपको सबसे पहले क्लिक करना है. जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो आपके पास विंडो ओपन होगी वो कुछ इस टाइप की दिखेगी. ये विंडो पे आप लोगों को बेसिकली जो हमारा पूरा फॉर्म फिलिंग का सेटअप है या पूरे जो स्टेप्स है उसको ब्रॉडली तीन स्टेप्स में एनटीए ने डिवाइड करा है. जो सबसे पहला स्टेप है वो है ऑनलाइन रजिस्टर करना, सेकेंड स्टेप है फॉर्म भरना और उसके बाद आता है एग्जाम फी को पे करना. तो जिन लोगों ने, जो लोग पहली पहली बार इस पे आएंगे, जिन लोगों ने जिसने पहली बार ही ये फॉर्म भरना स्टार्ट करा है, उन लोगों को जैसे ही इस विंडो पे आए वो यहाँ क्लिक करेंगे. ये है न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब जहां पे आपको क्लिक करना है. जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, जिसने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर वगैरह इन सब चीजों के साथ में, ठीक है? नेक्स्ट, जब आप इसके ऊपर, मैं अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से आपको वहां से लेके जा रहा हूँ जहां से आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे. तो आप सबसे पहला स्टेप आपका जो होगा वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का होगा, इसलिए आप सबसे पहले क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन नाम के इस टैब पे. जब आप इस न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास में कुछ इस टाइप का, ये टाइप का आपके पास में एक विंडो ओपन. अब सबसे पहली चीज मैं आप लोगों से ये कहूंगा बच्चों कि आप सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन जरूर डाउनलोड करें. ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन इज सोर्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रुथ. इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सब कुछ है,
आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके सिटीज, आपको फॉर्म कैसे भरना है, आप कौन कौन से कॉलेजेस में जा सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, तो और उसके अलावा सिलेबस वगैरह वगैरह सब कुछ। बट आगे इसको आप जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आप क्या करेंगे कि आप इसके अंदर स्क्रॉल डाउन करेंगे। जब स्क्रॉल करेंगे तो इन्होंने बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, और उनको पॉइंट्स के बाद में आप जैसे नीचे आएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टिक आएगा, ठीक है। ये बेसिकली बता रहा है कि आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ लिया है, और जैसे आप इसे क्लिक करेंगे इस यहाँ पे जैसे टिक आएगा, उसके बाद ये जो चीज है क्लिक हियर टू प्रोसीड वाला, ये ऑप्शन बेसिकली आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आप इसमें क्लिक करेंगे, ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन तभी एक्टिवेट होगा जब आपने यहाँ पे चेकबॉक्स में क्लिक कर दिया है। अगर यहाँ पे टिक नहीं है, ये चेक नहीं है, तो ये जो क्लिक हियर टू प्रोसीड वाला ऑप्शन है ये एक्चुअली आपका एक्टिवेटेड नहीं मिलेगा ना। अब सबसे पहली चीज जब ऐसे आप इस पे क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे, आपके पास में एक विंडो ओपन होगी। ये विंडो आपके सारे बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए है। ये जो तीन चार चीजें हैं कौन कौन सी, एक तो नेम, ठीक है, सेकेंड फादर नेम, थर्ड मदर नेम, और फोर्थ ये आपका डेट ऑफ बर्थ। ये सारी चीजें 10th की मार्कशीट के बेसिस पे आप भरेंगे। तो कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनके आधार कार्ड में उनके नाम की स्पेलिंग अलग है, उनका डेट ऑफ बर्थ अलग है, उनके फादर की स्पेलिंग अलग है, उनके मदर की स्पेलिंग अलग है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि ये जो मार्कशीट, ये जो चीजें हैं, ये चीजें वो लोग आधार कार्ड के बेसिस पे भर देते हैं। बट रिमेम्बर, आधार कार्ड के बेसिस पे आपको इसे नहीं भरना है, आपको किसके बेसिस पे भरना है, आपके 10th की मार्कशीट में जो भी लिखा है उसके बेसिस पे आपको इसे भरना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बोल देना चाहता हूँ कि अपने पूरे फॉर्म को बहुत ही शांति से, बहुत ही इत्मीनान से और बहुत केयरफुली इसे भरिएगा, क्योंकि इस बार कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने ये पूछा है कि किसी टाइप का आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, ठीक है। अब इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में उन्होंने बहुत सारी चीजें ली हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स बच्चों के पास में जो चीज रहती है वो होती है उनका आधार कार्ड। तो बेसिकली वो जो आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड एक्चुअली इसी चीज के लिए है, मतलब आधार कार्ड के लिए कोई अलग ऑप्शन नहीं है। उन्होंने ये जो चीज दी है, एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, दिस इज बेसिकली द आधार कार्ड। अब इसके नीचे जैसे ही आप जाएंगे, आपके पास में जैसे ही आप आधार कार्ड चूज करेंगे, तो आधार कार्ड चूज करते से ही आपके पास में उसका आधार का आइडेंटिटी, मतलब जो आपका नंबर है वो पूछा जाएगा, आधार नंबर। तो आप प्लीज उसके लिए हैंडी रखिएगा, आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना है, राइट। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है एड्रेस, ठीक है। तो ये एड्रेस आप लोगों को भरना है यहाँ पे। बट उसके अलावा यहाँ पे एक चीज है, ईमेल आईडी, एंड बेसिकली इसके नीचे एक और चीज आएगी जो होगा आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत केयरफुली वहां पे डालें। मतलब आपको अपना ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर जो भी डालेंगे, इस बात का ध्यान रखिए कि अगले 7-8 महीने तक के ये दोनों चीजें, ईमेल आईडी और फोन नंबर, दोनों 100% एक्टिव होने चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं पर ही आएगी, ठीक है। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उस केस के अंदर यही ईमेल आईडी और यही फोन नंबर ही होगा जो आपको आप वापस से लॉग इन करने के लिए अलाउ करे। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक चीज आएगी कि इज योर प्रेजेंट एड्रेस सेम एज योर, मतलब परमानेंट एड्रेस, क्या आप परमानेंट एड्रेस या आपका प्रेजेंट एड्रेस है? अगर ऐसा है तो इस पर क्लिक करिएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे जिस टाइप के ये वाली पूरी की पूरी चीजें हैं वो सब कुछ आपको परमानेंट एड्रेस के लिए भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप परमानेंट एड्रेस भी वहां पे डालेंगे। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी हॉस्टल में रह रहे हैं, तो प्रेजेंट एड्रेस आपके हॉस्टल का रहेगा लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस आपके घर का रहेगा, ठीक है। Now, जब अब ये एक और चीज जो इसके अंदर लास्ट चीज है आपके इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर, और वो ये है कि आपको आपका पासवर्ड, ठीक है, आपका आपका पासवर्ड बहुत अच्छे से चूज करना है। ध्यान रहे, आपके पासवर्ड को डालने की तीन कंडीशंस है, कैपिटल अल्फाबेट और एक स्मॉल अल्फाबेट। ये दोनों होने चाहिए, कम से कम एक एक, कुछ नंबर्स होने चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए, और थर्ड एक और चीज जो है वो है स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तभी वो आपके पासवर्ड को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा।
थर्ड एक और चीज जो आपको यहाँ पे डालनी है वो है आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन। इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी जो भी आप चूज करें, यहाँ पे कुछ एन मतलब कुछ चार पांच टाइप के सिक्योरिटी क्वेश्चन वो आपको चूज करने के लिए देगा। ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है इसको भी आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है, क्योंकि ये सिक्योरिटी क्वेश्चन के बेसिस पर इन केस अगर आप अपना फॉर्म अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो आपसे यही पूछेगा कि आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या था और उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर क्या था। उसके बाद वो आगे की फॉर्मेलिटीज करेगा, और जैसे आप इसे करेंगे उसके बाद में आपके पास में ये चीज आ जाएगी कि आपको एक सिक्योरिटी पिन डालना है, यहाँ से इसे कॉपी करके इधर डाल दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि ये जो चीज है ये हमें समझ में नहीं आती यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, तो इन दैट केस इस आइकन पे क्लिक करिए, वो आपका ये जो सिक्योरिटी पिन है उसको रीजनरेट करेगा, और अगर वो चीज सही है तो आप उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे ही ये सब चीजें आप भर देंगे आप क्लिक करेंगे सबमिट पे, ठीक है। ये रही आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में आपके पास में ये पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में एक बड़ा सा पेज ओपन होगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज फॉर्म आप भरें और वो क्रॉस चेकिंग इस विंडो पे आने के बाद में किसी और से क्रॉस चेक करवाएं, सो देट कोई चीज गलत ना हो। रिमेंबर इस बार कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं हो। अगर आपकी सारी चीजें सही हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चेकबॉक्स हैं कि ये सारी चीजें हम जो मेरा नाम मतलब कि माय नेम, फादर का नाम, मदर का नाम, जन्म तिथि मतलब कि डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ के ऊपर आपको टिक करना पड़ेगा। ये सारे खाली खाली बक्से रहेंगे, आपको एक एक के ऊपर टिक करना पड़ेगा, ठीक है। टिक करेंगे तो फिर उसके बाद में यहाँ पे ये आई एग्री वाले जो एक चेकबॉक्स है उस पर टिक करना है, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब ये वाली दो चीजें ओपन रहेंगी आपके पास में। अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो गलती से कुछ गलत चला गया, क्या करेंगे आप लोग, आप लोग क्लिक करेंगे इस एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर, आप इस पे जाएंगे, ये आपको पुराने विंडो पे लेके जाएगा, वहां पे आपको जो भी करेक्शन करना है करेंगे, उससे आप वापस आएंगे, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, फिर से चेक करेंगे, इन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अब ध्यान रखिए, याद है मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आपको आपका नंबर बहुत ही केयरफुली भरना है, इधर जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर, इसी नंबर के ऊपर आप जब सबमिट करेंगे तो आपके पास में ओटीपी आए। ध्यान रहे नंबर्स आपके सारे एक्टिव होने चाहिए, आपके ईमेल आईडी सारे के सारे एक्टिव होने चाहिए, वो अपने पास में ही रखिएगा, नंबर अपने पास में रखिएगा, ईमेल आईडी ओपन करके रखिएगा। जैसे ही आप इस पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे, आपके जो फोन नंबर रहेगा जो आपने ऊपर मेंशन किया है उसके उस पे आएगा आपका ओटीपी, और उस ओटीपी को आपको फिलअप करना पड़ेगा तभी आप आगे भर पा जा पाओ ना। अब जैसे ही आप ओटीपी आएगा, ओटीपी आपने डाला, आपने सबमिट किया, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे इस पेज पे, नए पेज जिसपे वो ये बताएगा कि देखिए भाई आपने क्या करा है, आप ये जैसे मैंने आपसे कहा था कि तीन स्टेप्स हैं, पहली कौन सी थी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेकंड था एप्लीकेशन फॉर्म, और थर्ड है आपके पास में फी पेमेंट। तो उनका ये कहना है कि रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रखना कि प्लीज आप अपना एप्लीकेशन नंबर जरूर नोट करें, ठीक है। जैसे आप इसे कर लेंगे आपके पास में क्या वो चीज शो करना चाह रहा है कि अब आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, जो चीज अभी बची हुई है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। अब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ पे पहले पर्सनल डिटेल्स आएंगी, पर्सनल डिटेल्स जो रहेंगी वो मेजॉरिटी आपकी एप्लीकेशन जो आपने रजिस्ट्रेशन करा है वहीं से वो उठा ले, ठीक है। बाकी फिर जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा रहेंगी वो आपको भरने के लिए कहेगा, जैसे आपकी नेशनैलिटी, ठीक है, आपका एड्रेस, आपकी कैटेगरी, इस कैटेगरी को भी बहुत ध्यान पूर्वक चूज करिएगा। इन केस अगर आपको किसी भी चीज का किसी भी टाइप के रिजर्वेशन का फायदा मिलता है तो आपको उसको यहीं पे चूज करना पड़ेगा। रिमेम्बर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हैं, अगर आप ओबीसी की कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हैं, आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे मेंशन नहीं करी आप ना इस मेंस में उस चीज को चेंज कर पाएंगे आगे, और अगला जो अप्रैल का मेंस होगा उसके अंदर भी आप चेंज नहीं कर पाए। उसके बाद पीडब्ल्यूडी मतलब कि कोई फिजिकली हैंडीकेप्ड है क्या, उसमें 40% की या जो भी उसके बेंचमार्क डिसेबिलिटी रहती है वो है क्या, अगर है तो यहाँ पे यस,
आप क्या आपको डायबिटिक है, क्या आप डायबिटिक हैं तो यस नो आपको प्रूव करना है, ब्लड डालना है। आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस कैसा है, अर्बन या फिर रूरल, आप कौन से एरिया को बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली इनकम क्या है, ठीक है। फिर आता है मोड ऑफ प्रिपरेशन, मोड ऑफ प्रिपरेशन में बहुत सारी चीजें आएंगी आप लोगों को, प्राइवेट मतलब कोचिंग भी आएगा, सेल्फ स्टडी भी आएगा, स्कूल वगैरह सब चीजें आएंगी। मैं आपको कहूंगा कि आप सेल्फ स्टडी को चूज करिए उसके अंदर, वैसे उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी सेल्फ स्टडी को ही चूज करिए। मीडियम ऑफ योर एग्जामिनेशन, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिस किसी भी लैंग्वेज में आप पेपर चाहते हैं आप वो यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। ये सारी जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो लेने के बाद में आपको यहाँ से सिक्योरिटी पिन लेना है, यहाँ पे डालना है, और आप करेंगे फिर उसके बाद क्लिक यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट विंडो की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे वो पूछ रहा है आपका आधार नंबर है क्या, क्या आपके पास आधार है, यस और नो, आप यस अगर आपके पास आधार है तो प्लीज डालिएगा यहाँ पे, यस करके सबमिट करेंगे तो आपसे आधार नंबर मांगेगा, ठीक है। आपका नाम, आपका जेंडर और ये आपका कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, तो वो सब चीजें जो अपन पहले भी भर चुके हैं। अब इन तीनों में से जो भी ऑप्शन चूज करना चाहे आप वो चूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से सिक्योरिटी पिन डालना है और फिर क्लिक करना है सबमिट एंड नेक्स्ट पे। जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप एक नई विंडो पे पहुंच जाएंगे। इस विंडो में आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप किस एग्जाम के लिए आप यहाँ पे ये फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मेंस बेसिकली तीन टाइप की एग्जाम्स होती है। एक होती है पेपर वन, जो सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जिसके जिसके बेसिस पे हमें इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, ठीक है। यही एग्जाम की तैयारी आप पिछले 2 साल से बहुत मेहनत से कर रहे हैं। सेकेंड टाइप की जो कुछ लोग होते हैं जो आर्किटेक्चर या प्लानिंग में जाना चाहते हैं, उनके लिए सेकेंड पेपर होता है 2A 2B। आप जितने भी पेपर्स देना चाहते हैं आप उन सभी पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप दोनों या तीनों पेपर देना चाहते हैं आप तीनों पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक पेपर देना चाहते हैं तो आप जो पेपर वन है सिर्फ उस पे क्लिक करिए, ठीक है। आप जैसे ही उसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी कि कितने सेशन में आप मतलब जिसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये एक्टिवेट होगा। इस एक्टिवेशन के अंदर आपसे वो क्लिक करवाएगा सेशन वन। नाउ व्हाट इज सेशन वन एंड सेशन टू। सेशन वन मतलब हो गया हमारा जनवरी कट। सेशन टू जो अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो होगा अप्रैल कट। क्यों नहीं अभी यहाँ पे, क्योंकि अभी अप्रैल का अटेम्प्ट ओपन नहीं हुआ, तो यहाँ पे वो दिख नहीं दिख रहा है अप्रैल का अटेम्प्ट, सेशन टू नहीं दिख रहा, यहाँ पे सिर्फ सेशन वन दिखेगा, तो आपको वो क्लिक करना है, ठीक है। फिर से आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग पूछेंगे कि आप किस मीडियम में अपना पेशेंट पेपर चाहते हैं, आप इंग्लिश चूज करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपकी सिटी चॉइसेस को फिलअप करना है, आपको आपका स्टेट, ठीक है, स्टेट और आपकी सिटीज यहाँ पे भरनी है। अच्छा अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन है कि जब आप अपना प्रेजेंट एड्रेस, याद है आप लोगों ने अपनी बिल्कुल स्टार्टिंग में अपना प्रेजेंट एड्रेस और अपना परमानेंट एड्रेस रखा था, वहां पे परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस आप डालेंगे उसमें जो दो स्टेट्स होंगे वही दो स्टेट्स और उन स्टेट्स के आसपास के, जैसे सपोज करो मेरा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों मध्य प्रदेश का डाल, तो यहाँ पे जब मेरे पास चॉइस आएगी एग्जाम सेंटर्स की उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश या सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ही आए या फिर मध्य प्रदेश गुजरात या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ही आए, कोई दूर का नहीं आए। मतलब अगर इन केस आप ये चाहते हैं कि आप चेन्नई में जाके पेपर दें या फिर आपका घर कहीं दूर है, ठीक है, तो आप प्लीज अपने प्रेजेंट एड्रेस में और वहां पे जाके अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो जिस किसी भी स्टेट का अंदर आप पेपर देना चाहते हैं तो इंश्योर कि आपके प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस इन दोनों में से वो जो स्टेट है जिसमें आप पेपर देना चाहते हैं वो मेंशन जरूर, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ से आपके पास में ये चीज आ जाएगी कि आपको 4 सिटीज चूज करनी है ना, और उससे पहले आप अपना स्टेट चूज करेंगे उसके बाद सिटीज चूज करेंगे। उसके बाद में आपके फादर का ऑक्यूपेशन, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी मदर का ऑक्यूपेशन, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये अपने अपने हिसाब से अपने पेरेंट्स के इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। अगेन एक सिक्योरिटी पिन, सिक्योरिटी पिन पे डालने के बाद में आप क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसके बाद आप पहुंच जाएंगे एक अलग विंडो पे जिसपे आपके बारे में क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछी गई। Now, please try to understand this. ये बहुत important है। सबसे पहले qualification details उन लोगों ने पूछी है 10th stand. Basically, आपकी qualification जो होगा, वो qualification details जो होगी, वो basically दो टाइप से होगी। एक होगा 10th standard, ठीक है, और दूसरा होगा 12th standard. देखिए दोनों के बारे में उन लोगों ने आपसे information पूछी है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं कि भाई पहले 10th के लिए, तो 10th क्या आपने पास कर ली है, ठीक है, कौन से साल में आपने पास करी है,
ठीक है, आपकी जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगी वो क्या होगी, उसमें बहुत सारे टाइप की चीजें आएंगी, आप इसके अंदर चूज करेंगे। टेंथ और इक्विवेलेंट, आपका स्कूल जहां था वो अर्बन एरिया है, मतलब सिटी का एरिया है या गांव का एरिया है, रूरल एरिया है, आप बेसिकली कौन से स्कूल के पास आउट हैं, क्या वो प्राइवेट स्कूल है या फिर गवर्नमेंट स्कूल है, नवोदय विद्यालय है, ये सब चीजें कौन से एरिया में है, कौन से स्टेट में थे आप लोग बेसिकली, ठीक है। उसके बाद में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, आपका टेंथ की स्कूल की बात हो रही है, ध्यान रखना है ये टेंथ की स्कूल की बात है, कौन से बोर्ड से आपने टेंथ का चीज करी है, फिर आपको उस समय जब आपको टेंथ का रिजल्ट आया तब परसेंटेज था या फिर सीजीपीए था, अगर परसेंटेज मोस्ट ऑफ मतलब मेरे ख्याल से आप सभी का परसेंटेज ही होगा तो यहाँ पे परसेंटेज आएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल मार्क्स 10 स्टैंडर्ड के, मतलब जो जैसे 5 सब्जेक्ट थे तो 500 हो गया, आपके जितने सब्जेक्ट थे उसके हिसाब से आपके यहाँ पे टोटल मार्क्स हो गए, उसके अंदर से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे और आपके परसेंटेज मार्क्स वो तो अपने आप फिलअप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका उस एग्जाम में रोल नंबर क्या था, आपके स्कूल का नाम क्या है और उसका आपका पिन कोड, आपके स्कूल का पिन कोड क्या है, ध्यान रखिएगा प्लीज जब आप ये चीज भरें तो 10th के एडमिट कार्ड से या फिर 10th की मार्कशीट के साथ में भरें, ठीक है। रिमेम्बर यू मस्ट हैव 10th मार्कशीट बिफोर यू आर फिलिंग अप दिस फॉर्म, ठीक है। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी जो क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन है वो है 12th की एग्जामिनेशन। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज इसमें चीज देखिएगा, क्योंकि ड्रॉपर्स के लिए तो कैसा हो जाएगा कि जैसे उन लोगों ने 10th का ऊपर का फॉर्म भरा है वैसे ही उनके लिए कैसा हो जाएगा कि 12th का फॉर्म हो जाएगा ड्रॉपर्स के लिए, पर जो 12th में है अभी करंटली 12th में है उन लोगों को क्या क्या चीजें करनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपियरिंग आएगा, यहाँ पे जो ऑप्शंस आएंगे इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस रहेंगे कि अपियरिंग, ठीक है, पास्ट, पास्ट किसको लिखना है, जो ड्रॉपर्स है ठीक है उनको लिखना है पास्ट, उत्तीर्ण होने का वर्ष बेसिकली मतलब आपका किस ईयर में आपने पास करोगे, तो जो अगर आप अपियर कर रहे हो तो 2023 में ही आप पास करोगे, दैट इज गोइंग टू बी दी थिंग। और क्वालिफिकेशन एग्जाम में क्या होता है यहाँ पे कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आपके लिए जो सबसे आखिरी वाला ऑप्शन होगा फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ दी 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट बोर्ड वगैरह वगैरह, ये जो चीज रहेगी ये आपका ऑप्शन रहेगा जिसपे आपको क्लिक करना है, ध्यान रहे लास्ट ऑप्शन, बीच का नहीं, लास्ट ऑप्शन, राइट। अब इसके बाद क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पे अपना स्कूल का एड्रेस डालेंगे, अपने स्कूल का पिन कोड वगैरह डालेंगे, ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पे डालनी है, ठीक है, और वही सब चीजें अगर आपने 12th के अंदर अपियरिंग डाला है तो यहाँ पे रोल नंबर वाला जो ये जो कॉलम आएगा ये एक्टिवेट ही नहीं होगा क्योंकि आपके पास रोल नंबर अभी होगा ही नहीं, ठीक है। रिजल्ट भी एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि आप अगर अभी 12th अपियरिंग है तो आपके पास रिजल्ट होगा नहीं, बट ड्रॉपर्स के पास ये चीज होगी, तो ड्रॉपर्स आप लोगों के पास में ये दोनों जो सेक्शन है ये ओपन हो जाएंगे, आपको इन दोनों को भी फिलअप करना है। सिक्योरिटी पिन, सिक्योरिटी पिन के बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पिन। नेक्स्ट इसके बाद में जब आप पहुंचेंगे तो आपकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछेंगे वो ये पूछेंगे कि क्या आपको एक जुड़वा, आपका कोई जुड़वा भाई बहन है, क्योंकि चीटिंग की हमेशा चांसेस रहते हैं, तो आपसे पहले पूछ रहे हैं कि भाई आप कोई जुड़वा उड़वा तो नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यस चूज करते हैं तो उस भाई बहन का जुड़वा जो भाई बहन है उसका 10th में रोल नंबर क्या था, उसका 10th में नाम क्या था, वो सब वो यहाँ पे भरवाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आएगा कि आपका सिक्योरिटी पिन क्या है, मतलब यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है वो आपको यहाँ पे भरना है, अगेन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जब आप पहुंचेंगे तो आप पहुंच जाएंगे बेसिकली इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाले सेक्शन में। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर यहाँ पे प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये दोनों नंबर जो होने चाहिए और ये जो ईमेल आईडी होना चाहिए, ये आपने जो पहले, आपको याद है जब अपने रजिस्ट्रेशन करा था तब मैंने आपसे कहा था कि आपको आपका नंबर और आपका ईमेल आईडी दोनों बहुत ध्यान से डालना है, वो जो आपने नंबर, जो फोन नंबर और जो ईमेल आईडी आपने वहां पे डाला था आप वो यहाँ पर नहीं डाल पा, ठीक है। मतलब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो ईमेल आईडी और नंबर है वो स्टूडेंट का होना चाहिए और ये दोनों जो चीजें होनी चाहिए ये बेसिकली गार्जियंस के होने चाहिए, और ध्यान रहे कि ये दोनों नंबर, ये आईडी और ये वाला नंबर भी आप लोगों का अगले 7-8 महीने तक के 100% तरीके से एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जब तक आप नहीं करेंगे, मतलब इसके बाद क्या होगा ना कि जैसे ही आप इसको डालेंगे तो गेट ओटीपी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी दोनों जगह आएगा, कहां कहां पे, सबसे पहले ये वाला जो नंबर आपने दिया है उसके ऊपर,
और दूसरा उस ईमेल आईडी पे जो आपने यहाँ पे दिया हो, दोनों जगह ओटीपी आएगा और दोनों का ओटीपी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या आएगा कि ओटीपी जो आपके मोबाइल पे आया है और ओटीपी जो आपके ईमेल आईडी, और फिर आप करेंगे यहाँ पे वेरीफाई एंड नेक्स्ट। ठीक है, अब जैसे आप वेरीफाई नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे इस जगह पे। नाउ ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके ऊपर में स्पेसिफिक आपका ध्यान यहाँ पे लेना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए आपका फोटोग्राफ। ठीक है, ये जो फोटोग्राफ होना चाहिए ये लेटेस्ट फोटोग्राफ रखिए, प्लीज इसके अंदर कोई रिस्क मत लीजिएगा। ये जो आना चाहिए आप लोगों का हमेशा लेटेस्ट फोटोग्राफ ही आना चाहिए। अपनी सिग्नेचर प्रॉपर तरीके से व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर लेके उसको क्लिक करिए अच्छे से, सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। और इसमें प्लीज ध्यान रखना कि आप अपने सिग्नेचर को ना बदले। अब यहाँ पे मैं एक बाइफर्केशन करना चाहता हूँ। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी कैटेगरी जनरल शो कर, जिन लोगों ने अपनी कैटेगरी जनरल शो करी है उनको सिर्फ यही दो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और उनको कुछ नहीं देना पड़ेगा। उनके पास ये जो थर्ड ना ये उनको नहीं दिखेगा। ठीक है, ये उनको देना नहीं पड़ेगा क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट है उनकी, जिस किसी की भी कैटेगरी जनरल है वो बेसिकली उनको ये कुछ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों को जिनकी जिन्होंने कुछ कैटेगरी जनरल के अलावा चूज करी, जो भी आपने कैटेगरी चूज करी है उसका आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए मेरे ख्याल से 1 अप्रैल 2023 के बाद में आप उस चीज को बनाए। लेकिन फिर अभी यहाँ पे क्या चीज है करनी है, या तो अगर आपके पास पुराना हो तो आप पुराना सबमिट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एनटीए ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। ठीक है, और ये है डिक्लेरेशन। अगर इन केस आपके पास में, चलो मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं जनरल ईडब्ल्यूएस में इस चीज के अंदर फॉर्म भरना चाहता हूँ। तो जब मैं जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर से भरूंगा तो अभी तो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, क्या करें? तो आप अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर, ध्यान याद है मैंने आपसे कहा था कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जरूर डाउनलोड करना। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर एक एनेक्स्चर दे रखा है, ठीक है, उसके पेज नंबर 47-48 पे है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 47-48 उसमें आपको ये दे रखा है कि डिक्लेरेशन एक जी जनरल ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म, ये डिक्लेरेशन फॉर्म क्या बोलना चाह रहा है कि भैया मैं ईडब्ल्यूएस में हूँ, मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, मैं सर्टिफिकेट आपको बाद में लाके दे दूंगा, लेकिन जब तक कि मेरा सर्टिफिकेट नहीं बनता तब तक के इस डिक्लेरेशन फॉर्म को आप सही कंसिडर करिए, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, ये डिक्लेरेशन फॉर्म कहता है। उस डिक्लेरेशन को आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेंगे, उस इस डिक्लेरेशन का प्रॉपर प्रिंट लेना, अच्छा प्रिंट लेना। ठीक है, उसमें अच्छे ब्लू बॉल पेन से इसके अंदर अपना नाम, एड्रेस, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो भी अभी आपने खिंचवाया है उस सब चीजों को आप डालेंगे, उसको स्कैन करेंगे। ठीक है, उसको पूरे प्रिंट लेने के बाद आपने पूरा भरा, उसके बाद उसको स्कैन करेंगे, उसको स्कैन करने के बाद में आप लोग उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद में ध्यान रखिए कि उसका साइज बेसिकली 50 से 300 KB में होना चाहिए और आप उसको अपलोड करेंगे। आप डिक्लेरेशन फॉर्म से भी इसे कर सकते हैं। अभी प्लीज जल्दबाजी मत बचाइएगा कि अभी से ही आप, आपको जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप लेने चलेगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है, आप डिक्लेरेशन फॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और चीज के बारे में ध्यान रखिएगा कि जब आप फॉर्म बनाएंगे, जब आप अपने मतलब सॉरी जब आप सर्टिफिकेट बनवा रहे होंगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको दो चीजें दी है, दिस इज द डिक्लेरेशन, ठीक है, ये डिक्लेरेशन है, ठीक है, दूसरा है यहाँ पे उसका फॉर्मेट। ठीक है, किसका फॉर्मेट? जब आप एक्चुअल में बनाएंगे अपने सर्टिफिकेट को तो वो फॉर्मेट इस टाइप का होना चाहिए, इस फॉर्मेट के बेसिस पे ही आपका सर्टिफिकेट बनना चाहिए। अब मैं दूसरी चीज पे आ जाता हूँ जो कि है ओबीसी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं लेकिन अगर आपके पास में अभी सर्टिफिकेट्स नहीं है या आपके सर्टिफिकेट्स बहुत पुराने हो चुके हैं तो मतलब आप क्या कर सकते हैं कि वापस से यहाँ पे आप आ जाएंगे कुछ 48 से लेकर 51 के बीच में, पेज नंबर 48 से 51 आप लोगों को ओबीसी के लिए चीजें मिलेंगी। उसके अंदर आपको ये चीज मिलेगी यहाँ पे डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या कहता है कि भैया मैं ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ लेकिन मेरे पास में अभी सर्टिफिकेट नहीं है, मैं सर्टिफिकेट बाद में एग्जामिनेशन के टाइम पे प्रोड्यूस कर दूंगा, तब तक के लिए मेरे मुझे ओबीसी में कंसिडर करने के लिए इस डिक्लेरेशन फॉर्म को मान्य करें। अगर मैं उस समय
उस समय एडमिशन लेते टाइम एक प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाता हूं, तो मेरा जो एडमिशन होगा वो जनरल रैंकिंग के बेसिस पे होना चाहिए, जनरल रैंक। ठीक है, बस ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आपको ये इसको डाउनलोड करना है, एक अच्छा अच्छे पेज पे डाउनलोड करिए, अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और जो कुछ भी यहाँ पे सारी चीजें हैं सबको आप फिलअप करिए प्रॉपरली, फादर मदर के सिग्नेचर, नेम, डेट वगैरह सब कुछ, और फिर इसको कर लीजिए स्कैन। ठीक है, स्कैन करके इसको अपलोड करना पड़ेगा पीडीएफ, मतलब जेपीजी या पीडीएफ जो भी हमारे पास में है उसको आप कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करके वापस से आप इधर, ठीक है, आपको पीडीएफ में ही इस चीज को देना है तो इसमें आप डालेंगे। अगेन ध्यान रखिएगा आपका सर्टिफिकेट 50 से 300 के बीच में ही होना चाहिए। सेकेंडली, जब आप अपना सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अभी तो डिक्लेरेशन से काम चल जाएगा, लेकिन जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा, तो सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे आपको दिया है, ये भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 48 से 51 के बीच में ओबीसी के अंदर ये चीज, ओबीसी के लिए ये दोनों चीजें दे रखी है। सो गाइज, यहाँ पे ये पूरा अपना जो जो चीज इन्फॉर्मेशन, जितनी चीजें मुझे आपको बतानी थी, ये मेरी साइड से खत्म हो